हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एनएमडीसी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल्स, फिर आते हैं हम लोग चार्ट्स पे और डिसाइड करते हैं कि किन लेवल्स के अंदर हम लोग इसके अंदर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है क्षितिज राय और आप देख रहे हैं फाइनेंस विद राय। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ हम लोग आपके साथ बने रहें। तो मार्केट कैप आज देखेंगे तो एक लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पे स्टॉक की पी और इंडस्ट्री की पी देखेंगे तो ठीक ठाक है, कि वैल्यूएशन भी यहाँ पे ठीक ठाक है। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि पावर जनरेशन के बिजनेस में है, आयरन ओर के बिजनेस में है और इनका डायमंड का भी प्रोडक्शन है। यहाँ पे देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है। एक गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आती है। तो डिविडेंड टील देखेंगे, डिविडेंड कंपनी काफी अच्छा पे कर रही है, तो डिविडेंड से भी अच्छा खासा हम लोग को रिटर्न यहाँ पे मिलता है, जो कि अराउंड 42% के आसपास है मतलब। और बाकी यहाँ देखेंगे कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है, प्रमोटर्स होल्डिंग हेल्दी है, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हेल्दी है, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे नेगेटिव है, बट कोई ज्यादा कंसर्न की बात नहीं क्योंकि नंबर्स काफी अच्छे हैं। तो हो सकता है 1-2 साल की बात हो, यहाँ पे एक बार हम लोग नीचे आके चेक भी कर लेंगे। मार्जिन भी कंपनी काफी हेल्दी कमा रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग पिछले 3 साल में 11% की घटी है। अब ये देखते हैं कि प्रमोटर्स होल्डिंग गई कहाँ है। हो सकता है कि पब्लिक के पास गई, हो सकता है इंस्टीट्यूशन के पास गई। इंस्टीट्यूशन के पास गई है तो अच्छी बात है, पब्लिक के पास गई है तो इतनी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे डेट और रिजर्व की बात करें तो डेट कंपनी अच्छा खासा होल्ड करती है, उसके कंपेरिजन में रिजर्व कम है, तो ये भी एक ठीक ठाक है। यहाँ पे सीधे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ईयरली। यहाँ देखेंगे सेल्स इनका ठीक ठाक नंबर से बढ़ा है यहाँ से, और मार्जिन कंपनी की बात करें तो प्रीवियस टाइम्स के हिसाब से थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे कम हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि सेल्स तो बढ़ा है, सेल्स बढ़ने से नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा, बट मार्जिन कम हुई है तो इसका मतलब ये भी है कि नेट प्रॉफिट के बढ़ने की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर ये कॉन्स्टेंट होता 76 या 70 के आसपास, तो यहाँ पे प्रॉफिट और तेजी से बढ़ते मिल सकता था हम लोग को। नीचे आते हैं कैश फ्लो वाइज देखेंगे तो पॉजिटिव है। ऑपरेशन मेन चीज होता है, मतलब मेन कोर बिजनेस से पैसा आ रहा है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से 72% से कम होकर यहाँ पे आया है हमारे पास 60% के आसपास। एफआईएस की होल्डिंग देखेंगे तो एफआईएस की होल्डिंग कहीं ना कहीं सेम रही है। डीआईएस की होल्डिंग 3 से 3% के आसपास बढ़ी है। गवर्नमेंट की होल्डिंग डायरेक्टली यहाँ पे नहीं है, पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो 4 से 12% हुई है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी अगर इंस्टीट्यूशन के पास होता तो ज्यादा अच्छी बात होती है। अब यहाँ पे देखेंगे चार्ट में, तो चार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखने वाला होगा चार्ट, क्योंकि अगर आप लोगों को देखो इसमें डायरेक्टली बाय नहीं करना है तो उसको वॉच लिस्ट में जरूर रखना, क्योंकि एक अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल, अगर हमसे पूछो कि कौन सा पैटर्न है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये कप है, ये हैंडल बना के यहाँ पे आया है। दूसरी बात जो अच्छी देखने वाली ये होगी कि यहाँ पे गैप ओपनिंग हम लोग को मिली है, एक थोड़ा साइन ऑफ स्ट्रेंथ है हमारे पास यहाँ पे। दूसरी एक और चीज जो देखने वाली होगी, जो हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे परेशान कर सकती है इस ट्रेड में, वो ये है कि इन सेम लेवल से यहाँ पे पिछली 2 बार आने के बाद यहाँ से गैप डाउन खुल गया था। तो इन 2 लेवल्स को हम लोग जरा, 2 लेवल्स नहीं, इन इस एक लेवल को थोड़ा सा हम लोग को एक बार मॉनिटर करना पड़ेगा कि अगर यहाँ से अच्छे खासा निकल गया तो फिर हम लोग को ठीक ठाक ट्रेड मिल सकती है इसके अंदर से, 30% की ट्रेड आराम से मिल जाएगी। बट अगर जस्ट इन केस नहीं मिला तो हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बट यहाँ अगर हमसे पूछोगे कि यहाँ पे हम पोजिशन बनाएंगे कि नहीं, तो मतलब बनाने का अच्छा खासा यहाँ पे मोटिव है हमारे पास, क्योंकि स्टॉप लॉस हम लगाएंगे तो स्टॉप लॉस सिर्फ इन लेवल्स के नीचे लगा रहे हैं, बहुत बड़ा लगाने का मतलब नहीं इस मार्केट में। बहुत दिन से कह रहे हैं कि बहुत कोई मतलब नहीं है यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस लगाने के लिए, तो अच्छा स्टॉप लॉस लगाओ ढूंढ के, अच्छे रीजनेबल स्टॉप लॉस लगाओ, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मत लगाओ। अगर अच्छी मार्केट होती तो हम लगाते हैं इन लेवल्स के नीचे, यूजली हम लगाते हैं इन लेवल्स के नीचे, क्योंकि टारगेट भी हम 30% का ले रहे हैं तो वहाँ लेना ठीक ठाक बनता है हमारा स्टॉप लॉस। बट क्योंकि मार्केट थोड़ी सी अनसर्टेन है इस हिसाब से, तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्टॉप लॉस इन लेवल पे। और बाय करने का भी मेरा यही मेन मोटिव है कि कंपनी ने अच्छा खासा, सॉरी कंपनी में बोल सकते हो, बट यहाँ पे स्टॉक देखेंगे अच्छा खासा यहाँ पे एक गैप खुलने के बाद 2 दिन कॉन्स्टेंटली इन लेवल्स को क्लियर किया है। तो फिलहाल अभी हम लोगों को देखने वाली बात ये होगी कि ये वाला जो लेवल है, पिछले बार भी गैप अप खुलने के बाद इन लेवल्स को कंसोलिडेट किया और गैप डाउन खुल गया, तो अभी क्या करेंगे, पोजीशन सिंपल छोटी रखेंगे, पोजीशन ऐड कर लेंगे हम लोग इन लेवल्स के ऊपर। ठीक, अभी मान लेते हैं कि अगर आप लोग खरीदते हो 10,000 का, 10,000 एक स्विंग में आप लोग एलोकेट करते हो 10K, तो अभी इसमें क्या करना होगा, सिर्फ 5K एलोकेट करना, बाकी का 5K एलोकेट हम लोग करेंगे इसके ऊपर जब
एन लेवल्स के ऊपर आ जाए। कब? जब एन लेवल्स के ऊपर क्रॉस कर जाए, एन लेवल्स के ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो फिर हम लोग टारगेट लेंगे इसका एन लेवल्स तक का, जो कि इसका होगा कहीं ना कहीं 29 से 30% होगा। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है 28% के आसपास का टारगेट है। तो ये टारगेट लेके अच्छा खासा हम लोग को टारगेट मिल सकता है इसके अंदर, तो ट्रेड में एंट्री करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और जस्ट इन केस यहाँ पे वापस आ जाए घूम के तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा हम लोग का। स्टॉप लॉस है 4% का, 5% का भी नहीं है, तो यहाँ पे रीजनेबल एक ट्रेड हमारी बन रही है। तो इसी के साथ चलेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना, बेल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना। ये सब चीजें बता चुके हैं, बस एक चीज और बताते हैं कि अपना कैपिटल सेफ रखना। ओके बाय।